तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में जो भी वीडियो मेरी आती है उसमें मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में अपना केंद्र हर हाल में खोलना है और जो भी डेटा, जो भी डिटेल डेली अपडेट करना होता है, उसको भरना होता है, वो आप जरूर भर दीजिए, क्योंकि मॉनिटरिंग ऑनलाइन ही होती है। आपने जो काम पोषण ट्रैकर ऐप पर जिस प्रकार समय पर सही तरीके से किया, तो ही आपका केंद्र अच्छा माना जाता है। इसी के संबंध में एक बड़ी खबर एक जिले से निकल के सामने आ रही है। काफी सारी सेविकाओं ने 3 तारीख के डेट में केंद्र ओपन नहीं किया, उसका एक लिस्ट बना दिया गया। कंसर्न एलएस को वहां पर कार्रवाई करने और शो कॉज निकालने के लिए कहा गया है कि आखिर किस कारण से केंद्र पोषण ट्रैकर ऐप पर बंद था। अब एक बात समझिए, भले ही आपने केंद्र का ताला खोल करके बच्चों को पढ़ाया खिलाया, लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में आपने केंद्र ओपन नहीं किया तो विभाग ये मानेगा कि आपने उस दिन का पैसा खर्च नहीं किया, आपका केंद्र बंद था। बड़ी जानकारी है, चलिए डिटेल में आपको दिखाते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ पोषण ट्रैकर ऐप पर काम नहीं करना या फिर केंद्र को ओपन तक नहीं करना सेविकाओं पर कितना भारी पड़ सकता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाहरणालय मधुपुरा और ICDS DPO ऑफिस मधेपुरा जिले से ये लेटर जारी किया गया है। पत्रांक यहाँ पर लिखा गया 938 और मधेपुरा जिले के DPO के द्वारा जो है मधेपुरा के जितने भी परियोजना के सभी के CDPO को ये लेटर जारी किया गया है। और लेटर का डेट आप देख लीजिए, लेटेस्ट जानकारी है 4 जुलाई 2024 को ये लेटर आपको देखने को मिल रहा है। विषय ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर दिनांक 3 जुलाई 2024 को आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद पाए जाने के संबंध में कि आखिर 3 जुलाई को ऐसा क्या था कि बहुत सारे केंद्र जो है मधेपुरा जिले में बंद पाए गए, आखिर बंद क्यों थे। मैंने आपको हर बार उस वीडियो में बताया जिसमें भी पोषण ट्रैकर की बात होती है, मान लीजिए कि आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर छुट्टी नहीं थी, केंद्र पर बच्चों को बुलाना था, पढ़ाना था, सारे काम करने थे, आपने केंद्र को जो है केंद्र का ताला समय पर खोला, आपने जो है बच्चों को सेविकाओं ने सहायिका ने बच्चों को बुलाकर लाया, बच्चों की उपस्थिति हुई, बच्चे को पढ़ाया गया, बच्चे को स्नैक्स दिया गया, बच्चे को जो है वहाँ पर एक्टिविटी कराई गई, इसके अलावा लास्ट में जाते समय बच्चे को HCM भी खिलाया गया और बच्चे खुश होकर गए, आपने आपको भी लगा कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपने पोषण ट्रैकर ऐप में केंद्र को ओपन नहीं दिखाया है, टाइम के पहले जो है टाइम तक आपने अटेंडेंस पूरा नहीं किया है, अगर आप GMD नहीं करती हैं तो आपका केंद्र जो है बंद माना जाएगा और सबसे बड़ी बात कि आपका केंद्र इनएक्टिव माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आप कोई भी काम नहीं करती हैं। मैंने बार बार कहा है कि मॉनिटरिंग और डिटेल जो है पोषण ट्रैकर ऐप का ही होता है क्योंकि डाटा ऑनलाइन है, तो इस पर आप काम करना नहीं भूले। अब देखिए क्या खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ेगा। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि 3 जुलाई 2024 को मधेपुरा जिला अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में कुल 244 आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। देखिए मधेपुरा जिला में कम से कम 3000-4000 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, उसमें से 244 केंद्र बंद पाए गए 3 जुलाई को। स्पष्ट है कि महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने सेक्टर अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है और न ही आपके द्वारा उक्त कार्यों की समीक्षा की जाती है, जो अत्यंत ही खेद की बात है। अतः उपरोक्त के संबंध में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका से उक्त तिथि को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोलने एवं कारण परीक्षा करते हुए विभागीय नियमानुसार उचित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। यानी कि नीचे लिस्ट जारी किया गया कि कौन से केंद्र की सेविका के द्वारा केंद्र नहीं खोला गया और उनकी LS कौन है, अब इस पर कार्रवाई के बाद उसका पूरा रिपोर्ट मांगा गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि संबंधित महिला पर्यवेक्षिका भी अपने सेक्टर अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित रूप से अनुश्रवण पर्यवेक्षण नहीं करने का कारण परीक्षा करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें। यहाँ पर जो DPO मधेपुरा के हैं वहाँ का सिग्नेचर और 4 जुलाई का डेट देखने को मिल जा रहा है। एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर यह दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे करके कम से कम 6-7 पेज का लिस्ट जारी किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक पेज दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कि लिस्ट विभाग कैसे जारी करता है अगर आप काम नहीं करती हैं तो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोजेक्ट वाइज AW सेंटर डिड नॉट ओपन काउंट AWC डेली मॉनिटरिंग ऑन 3 जुलाई 2024 एज पर पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड। यानी पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड पर 3 जुलाई को मधेपुरा जिले के विभिन्न परियोजनाओं में जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोला गया उसका लिस्ट यह है। जैसे कि परियोजना का नाम यहाँ पर एक आलम नगर पड़ता है, उस परियोजना में किस सेक्टर में
कौन सा केंद्र जो है, केंद्र का नाम और उनका आंगनवाड़ी कोड और उनके कंसर्न LSA जिनका भी नाम इसमें होगा, जिस परियोजना में सेक्टर में और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम और यूनिक कोड, वो केंद्र उस दिन बंद था। कोई उपाय यहाँ पर नहीं चल सकता, आप ये नहीं कहेंगे कि आपने केंद्र खोला था, क्योंकि अगर केंद्र खोला होता तो लिस्ट में नाम नहीं आता। अब LSA आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पूछताछ होगी। यहाँ पर प्राइवेसी इशू चलते मैंने आंगनवाड़ी केंद्र का कोड हाइड कर दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 64 परियोजना, अलग अलग सभी परियोजनाओं का लिस्ट जारी किया गया है बिहारीगंज। उम्मीद करूँगा कि आप अपना केंद्र सही से खोलिएगा, सही से काम कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।